हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। और आप फिर से आगे घूमते फिरते हमारे चैनल के 2.3 में, और मैं उस चैनल का होस्ट जिन, और ये मेरा दोस्त शुभम बंटा है। तो आज हम रिएक्ट करेंगे दशहरा के टीजर के ऊपर जो न्यूज आया है तमिल साउथ की तरफ से। मैं तमिल बोल रहा था, सॉरी, साउथ की तरफ से आया है। बाकी टीजर का मतलब पोस्टर देख करके तो मेरे को लग रहा है कि कड़ा की होगा। बाकी अब साउथ वाले तो एक नंबर काम कर रहे हैं भाई, एक नंबर काम कर रहे हैं। 4 घंटे ही पहले आया कुछ गाइस, ये उनका एक नंबर कड़क काम। और जितना हो सकता है आपको न्यू देने की सोचते हैं। हाँ, न्यू देने की सोचते हैं हम यार। पुरानी वीडियो पे हम खुद रिएक्ट नहीं करना चाहते, अगर हम करना भी चाहते तो हम आपके कहने पे करना चाहते कि आप जो बोलोगे हम उस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं आपको देना चाहते कि आपको जो चीज देखनी नहीं हम वो चीज क्यों दिखाए। बिल्कुल गाइस, बाकी आपको जो चीज देखनी होगी हम वो दिखाएंगे। चलो गाइस, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सब बातें बात की है, सीधा टीजर पे चलते हैं। जब तक के लिए 3-2-1 एंड एक्शन। वीरलपल्ली कोयले के देव। सॉरी, मेरे ना क्या करूं मैं देख लेता हूं ना तो मेरे को मन कर देता है कि थोड़ा बहुत जैसे भी हो मैं अपनी तरफ से बोलूं या क्या समझाऊं मेरे को जो अच्छा लगता है। अब बाकी मैं एक फ्लो में चलने दूंगा, उसके बाद हम ब्रेक डाउन सेकंड टाइम में ब्रेक डाउन करेंगे गाइस। ठीक है, पीछे करते हैं। वीरलपल्ली कोयले के ढेर से घिरा हुआ, गौर से देखने पर ही दिखता है ये गांव। अच्छा, दारू अपुन के लिए लत नहीं है, आदत से बना रिवाज है। जाके चार निवाले खाके सो जाओ। इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा, सबको एक साथ एक ही झटके में टपका डालेंगे, खेल खत्म। वीरलपल्ली कोयले के ढेर से घिरा हुआ। मैं मेरे को यही चीज पसंद है मूवी के अंदर, कलर ग्रेडिंग। जो कलर ग्रेडिंग के साथ मूवी में खेलता है ना, एक नंबर। चूंकि कलर ग्रेडिंग से ना चीज यहाँ से ना यहाँ पहुंच जाती है। कलर ग्रेडिंग मस्त लगी भाई मेरे को तो, कलर ग्रेडिंग एक नंबर लगी जो मूवी में करी हुई है। गौर से देखने पर ही दिखता है ये गांव। दारू अपुन के लिए लत नहीं है, आदत से बना रिवाज है। अब ये सीन मेरे को देख के ऐसा लगा मेरे को, मतलब कि टीजर का थोड़ा, फिल्म का थोड़ा है कि वो मतलब जो स्टार है नानी वो बेवड़ा है, बहुत बड़ा बेवड़ा है, हाई फाई दारू आ जाए भाई। तो उसको ना मेरे ख्याल से क्रिकेट अच्छा खेलता होगा या बहुत अच्छा खेलता होगा, क्रिकेट के ऊपर ही लग रही है जहां तक। हाँ, मेरे को भी आई थिंक ऐसे लग रहा है कि क्रिकेट के ऊपर है। और लेकिन बेवड़ा है, इससे ना बंदे जलते होंगे या जलने लग गए होंगे, अच्छी बैटिंग करता होगा या अच्छी बॉलिंग करता होगा, इससे जलने लगे होंगे। उसी टॉपिक के ऊपर मेरे को भी वीडियो लग रही है कि काट मार, लेकिन काट मार तो बहुत दिखाया है इसके अंदर। जाके चार निवाले खाके सो जाओ। ये सीन जैसे कि खड़ा गया। जाके चार निवाले खाके सो जाओ। ये सीन अभी क्या सीन है मेरे को ही नहीं पता है, पहाड़ से गिर रहा है या फिर
जैसे कि इन्होंने एक गांव बताया, गांव ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई खदान है, खदान के आसपास वो कोई गांव है तो खदान फटा है, तो मेरे ख्याल ये सीन वैसे इस टाइप का लग रहा है कि बम बम फटा है तो। इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा, सबको एक साथ एक ही झटके में टपका डालेंगे, खेल खत्म। ये जो ये अभी दौड़ते दौड़ते ये सीन एकदम से क्लियर हो जाएगा, चेंज कर देना शाम में, मतलब अभी नाइट है, अभी इवनिंग में आ जाएगा। अच्छा फ्लो है यार, प्ले करियो। अबे कलर ग्रेडिंग देखना, एक नंबर लग रही है यार। ये हल्का पीछे कर, देखते हैं का जो होगा। ये सीन अच्छा अलग अलग है, सबको एक साथ में जोड़ दिया है, टपका डालेंगे, खेल खत्म। लुक एक नंबर लग रहा भाई, ये वाला सीन भी मेरे को सही लगा। ये मतलब अपने मुंह के अंदर चाकू कुछ भी है बता के काट के ठीक सा लगाया भाई ने। मूवी एक्शन वाली है, अगल बगल मेरे ख्याल से लाशें हैं, ये लाशें हैं। मेरे को तो ब्रो टीजर एक नंबर लगा, ब्रो एक नंबर टीजर लगा, कमी तो मेरे को किसी चीज की नहीं देखी। एक्शन भी है इसके अंदर, बाकी स्टोरी मेरे को थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई। मैंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी थोड़ी समझाने की कोशिश करी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं नहीं कह सकता कि स्टोरी यही होगी एग्जैक्टली, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। बाकी टीजर में कलर ग्रेडिंग एक नंबर लगी भाई, ब्रो का लुक, नानी की जो भी है उनका लुक एक नंबर लगा भाई। एक्शन तो आपने थोड़ा देख ही लिया टीजर में, कितना एक्शन दिखा दिया, खून भरा हुआ। टीजर भी एक नंबर लगा, और टीजर कह रहा हूँ ट्रेलर, मतलब अबे नहीं ट्रेलर नहीं, हाँ ट्रेलर ही, टीजर है ट्रेलर नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक नंबर तो वैसे चार घंटे पहले आया था गाइज, ये हम जितना हो सकता है न्यू देने की सोचते हैं, इसलिए जो रिएक्शन निकलता है दिल से ही निकलता है गाइज। कोई फेक देखे तो हमारा कोई फायदा नहीं होना ना आपको, किसी भरम में रखना। बहुत अच्छा लगा मेरे को, हाँ हमको झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने इसको ये बोल दिया, ये करा वो करा, अल्लाह गुल्ला करे खाली पीने कर दिया। नहीं यार अपने अपन को वैसे नहीं आता ब्रो रिएक्शन देना, जैसे वो मां ये वो दे सकते हैं गाइस, मगर वो दिल से फलाना कर दिया इसलिए वो टिमका दो, ओए चल लगा दे, हां लगा, हां भाई। चलो गाइस मैं ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा, जब तक के लिए अगर आपको टीजर देखना है जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल गाइस आप जाकर के एक बार टीजर प्रॉपर देखे, फुल हाई क्वालिटी में मेरे को तो एक नंबर टीजर लगा। बिल्कुल गाइस, बाकी अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना, साथ में बेल आइकन का बटन भी होगा उसे भी दबा ऑल पे कर देना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास बजती रहे। जब तक के लिए लव यू, गुड बाय।